Hello everyone, welcome to our channel anujindal.in. So in today's session, in today's video, I am going to discuss the strategy which you can adopt if you are preparing for SEBI grade exam of 2023 and moreover if you are preparing through our live course. So kya strategy aap log adopt kar sakte ho for SEBI grade exam? Let us discuss. So I'll discuss the strategy from working aspirants point of view also और नॉन वर्किंग एस्पिरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो आई हैव प्रिपेयर्ड अ सॉर्ट ऑफ अ टाइम टेबल, अ सैंपल टाइम टेबल विच यू कैन अडॉप्ट. जैसे कि कंपनीज एक्ट में होता है ना, देयर इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में टेबल एफ जो कंपनीज अडॉप्ट कर सकती हैं. ओके, सो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो. इट इज नॉट सैक्रोसैंक्ट, कोई सैक्रेड टाइम टेबल नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्टली आपको फॉलो करना है. यू हैव टू मेक सर्टेन चेंजेस ऑब्वियसली, थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो, बट दिस इज अ मॉडल टाइम टेबल, अ मॉडल स्केड्यूल विच कैन बी अडॉप्टेड डिपेंडिंग अपॉन वेदर यू आर वर्किंग और वेदर यू आर अ स्टूडेंट. ओके, लेट अस स्टार्ट. यस, सो फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट द वर्किंग एस्पिरेंट्स. तो वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए इट्स डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट टाइम, वीकेंड्स पर टाइम मिलता है और फॉर सम एस्पिरेंट्स इवन सैटरडेज आर वर्किंग. So those adjustments you would have to make, but I have taken certain assumptions that the work shift is, for example, 9 a.m. to 6 p.m. generally 9 hours, 8 to 9 hours is the work shift, depending upon if you are in private sector or government sector, uske according vary kar sakta hai. And I'm assuming there is a 5-day working week from Monday to Friday. I'm assuming this. Okay, but if you are working in a company, in an organization where it may be 6 days working, then you will have to make certain adjustments, modifications in the schedule for yourself. Okay, so yes, so this is the timetable which I have created for working aspirants after due thinking, kafi soch ke, kafi analyze karke ye banaya hai. So obviously you can make customizations, changes in that as per your convenience, but this will give you a good overall idea ki kis tarike se hum सिलेबस को कवर करते हुए चल सकते हैं. बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग कि जनवरी एंड में फेज वन एग्जाम हो सकता है, जनवरी 2023 में, एंड फेब्रुअरी एंड में आपका फेज टू हो सकता है. तो उसके अकॉर्डिंगली विल ट्राई कि दिसंबर तक हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर लें. ओके, बाकी नोटिफिकेशन, मतलब जो इंफॉर्मेशन आएगी हमारे पास रिगार्डिंग द एग्जाम डेट, उसके अकॉर्डिंग भी हम फिर अपने स्ट्रक्चर में चेंज कर लेंगे. बट दैट इज नॉट योर एरिया ऑफ कंसर्न. अभी हमें क्या करना है, वी हैव टू स्टडी एज पर द स्केड्यूल जो आपको प्रोवाइडेड है. ओके, सो वॉट आई हैव डिवाइडेड इज मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड ट्यूजडे, थर्सडे. ओके, लाइक दिस आई हैव डिवाइडेड. द रीजन बींग कि अभी जो क्लासेस हो रही हैं सेबी की लाइव क्लासेस, वो MWF मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को हो रही हैं. वी आर प्लानिंग कि हम ट्यूजडे, थर्सडे को फाइनेंस की लाइव क्लास भी स्टार्ट कर देंगे मॉर्निंग में. आई विल कन्फर्म अबाउट दैट, बट वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट फ्रॉम अक्टूबर फाइनेंस लाइव क्लासेस ऑल्सो. ठीक है, तो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे की बात करते हैं. सो जनरली फॉर अ वर्किंग एस्पिरेंट्स, द मॉर्निंग आवर्स, मॉर्निंग में यू हैव सम टाइम. ओके, एंड इन द इवनिंग, इन द नाइट यू हैव सम टाइम टू स्टडी. ओके, तो उसके अकॉर्डिंग ही क्रिएट किया है. बिकॉज आई डू नॉट प्रेफर कि बहुत लेट नाइट स्टडी करें, बिकॉज आपको ऑफिस भी जाना है. ओके, एंड इट्स बेटर कि हम मॉर्निंग में यूटिलाइज करें टाइम को. ओके, मतलब आई पर्सनली फील कि मॉर्निंग में जो पढ़ते हैं वो ज्यादा अच्छे से रिटेन हो पाता है. बाकी इट कुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, बट जनरली आई फील कि मॉर्निंग इज अ गुड टाइम टू स्टडी अ न्यू कॉन्सेप्ट, एनी न्यू कॉन्सेप्ट. और रिविजन भी हम मॉर्निंग में करते हैं तो अच्छा रहता है, बिकॉज इट गेट स्टोर्ड इन द मेमरी, रिटेंशन हमारी बढ़ जाती है. जो हम सुबह पढ़ते हैं ऐसा बोलते हैं कि वो हमें काफी टाइम तक याद रहता है. ओके, तो वॉट आई हैव डन इज मॉर्निंग 6 to 7 इज, इफ आई टॉक अबाउट दीज 3 days, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, MWF, तो मॉर्निंग 6 to 7 आप रिविजन कर सकते हो पेपर 2 का, जो भी आपने लास्ट क्लास में पढ़ा है या जो ऑलरेडी पढ़ चुके हो. ठीक है, लाइक कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो प्रीवियस कुछ रिवीजन करना है. बट आई थिंक वीकडेज में आपको वो रिवाइज करना चाहिए, पर्टिकुलरली जो लास्ट क्लास में पढ़ाओ. ठीक है, व्हाट आई फील कि जो लास्ट क्लास में पढ़ाओ उसको वीकडेज में रिवाइज करो. वीकेंड पे यू कैन रिवाइज द अर्लियर चैप्टर्स जो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं. ठीक है, मतलब एक जो कॉम्प्रिहेंसिव रिविजन है, एक जो ओवरऑल रिविजन है, वो वीकेंड्स में कर सकते हैं. ओके, और वीकडेज में हम जो हम लास्ट क्लास में पढ़ते हैं या लास्ट लास्ट क्लास में पढ़ा फॉर एग्जांपल, उसको रिवाइज कर सकते हैं. सो रिवीजन ऑफ पेपर 2 यू कैन डू इन द मॉर्निंग 6 to 7 a.m. ओके, आफ्टर दैट 7 to 8 a.m. में आप यू कैन यू नो गेट रेडी फॉर द ऑफिस, हैव ब्रेकफास्ट और ऑल दैट स्टफ. एंड देन फ्रॉम 8 to 9
okay, from 8 to 9, you will attend the live class, which is being taken up by Parul ma'am, management live class, MWF, ठीक है? तो 6 से मैंने आपका schedule start किया है, because assuming कि आप 5-5:30 बजे उठो, for example, you get freshen up, थोड़ा सा, you want to do some meditation, some pranayam, whatever, तो 6 बजे तक आप अपना कर सकते हैं start, okay? After that, 8 to 9 I have kept for live class. Now 8 to 9 am could be your traveling time also. आपका traveling time भी हो सकता है, but you can watch the sessions from your phones. Metro में travel कर रहे हो, bus में travel कर रहे हो, कोई public transport use कर रहे हो, cab वगैरह, if you are using cab service, whatever, you can easily watch on your phones, mobile phones, earphones लगा के आप सुन सकते हो, attend कर सकते हो, okay? और maybe some of you might have a shift of 10 to 7, तो वो लोग भी कर पाएंगे, तो depends upon person to person. ओके, तो ट्राई करना है हमको कि लाइव क्लास हम अटेंड कर पाए, बट इन केस नहीं कर पाते हैं, हमारे वर्किंग आवर्स अलग हैं, शिफ्ट अलग है, सो यू कैन वॉच इट लेटर ऑल्सो, ठीक है? बट ट्राई टू वॉच द क्लास द सेम डे इटसेल्फ, उसी दिन देखने की कोशिश करो, मतलब उसी दिन इसको कंप्लीट करने की कोशिश करो. अगर उस अलॉटेड टाइम पे नहीं कर पा रहे हो, मे बी आफ्टर दैट यू कैन डू इट, बट ट्राई टू कवर इट ऑन द सेम डे इटसेल्फ, ओके, ताकि आप यू नो सिलेबस के साथ चलो. देन आफ्टर दैट यू विल हैव योर ऑफिस आवर्स, ठीक है? तो ट्रैवलिंग में आप एक और काम भी कर सकते हो, या जो ऑफिस में आपको ब्रेक मिलता है, लंच ब्रेक, उसमें टाइम बचता है, तो करंट अफेयर्स स्पेसिफिकली, करंट अफेयर्स के लिए मैंने कोई स्पेसिफिक टाइम अलॉट नहीं किया है. वीकेंड्स में तो आप करोगे करंट अफेयर्स, लेकिन वीकडेज में मैंने अलग से कोई आपके लिए कोई यू नो स्लॉट अलॉट नहीं किया है फॉर करंट अफेयर्स, बिकॉज करंट अफेयर्स ट्रैवलिंग में आप पढ़ सकते हो, ट्रैवल करते हुए. जो भी हमारे यूट्यूब सेशंस होते हैं, फाइनेंस करंट अफेयर्स, आरबीआई 247, मॉर्निंग टेल्स, ओके, स्पॉटलाइट, तो ये जो चीजें हैं ये आप ट्रैवलिंग में कर सकते हो, या ऑफिस में कोई ब्रेक मिलता है आपको, उसको यूटिलाइज कर सकते हो, ओके? देन इन द इवनिंग 6 to 7 यू हैव लाइव क्लास विच इज टेकन अप बाय मी. तो अभी हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग कवर कर रहे हैं, द सब्जेक्ट ऑफ कॉस्टिंग, ओके? आफ्टर दैट 7 to 8 मैंने गैप रखा है, दैट यू हैव योर डिनर इफ यू वॉन्ट. आई थिंक डिनर आपको जल्दी, मतलब यू कैन डू डिनर अर्लियर, डिनर थोड़ा पहले कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट्स बेटर कि सोने से 2 घंटे पहले हम डिनर कर लें, ओके? और यू कैन हैव डिनर, यू कैन फ्रेशन अप, थोड़ा सा जो भी रिलैक्स करना चाहते हो अपने आप को, कुछ म्यूजिक सुनना चाहते हो, जो भी. एंड आफ्टर दैट 8 to 9 यू कैन प्रैक्टिस क्वांट रीजनिंग इंग्लिश विच इज योर phase 1 paper 1. तो उसमें क्वांट रीजनिंग इंग्लिश और GA आता है, आई थिंक ऑल ऑफ यू आर अवेयर. तो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के लिए आई हैव केप्ट 1 hour. तो इसमें क्या होगा, इनिशियली यू विल कवर द सिलेबस, जो भी टॉपिक्स हैं क्वांट के, रीजनिंग के, इंग्लिश के. इंग्लिश में तो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नहीं होता, बट अगेन इट डिपेंड्स कि अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो, ऑब्वियसली. तो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के जो भी टॉपिक्स हैं, पहले आप यू नो यू विल कवर द सिलेबस, द टॉपिक्स, एंड वंस यू आर डन विद द सिलेबस, तो पहले कॉन्सेप्ट कवर करते हैं, द सीक्वेंसेस. पहले कॉन्सेप्ट कवर करोगे थ्रू कॉन्सेप्ट वीडियोस, देन यू विल लर्न द शॉर्टकट्स थ्रू शॉर्टकट वीडियोस, उसके बाद आती है प्रैक्टिस. प्रैक्टिस के लिए आपके पास यू हैव अ प्रैक्टिस बुक, QRE की जो बुक प्रोवाइड करी है आपको, ओके? उसके अलावा देर आर सेक्शनल टेस्ट ऑफ क्वांट रीजनिंग इंग्लिश विच कैन ऑल्सो बी विच थ्रू विच यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस. देखो क्वालिफाइंग नेचर का है, इसलिए बहुत ज्यादा भी नहीं पढ़ना इसके लिए, बट बेसिक मतलब वी कैन गिव सम टाइम एटलीस्ट, सो दैट सेक्शनल कट ऑफ तो हम क्लियर कर ही लें. नॉट सेक्शनल कट ऑफ, मतलब जो क्वालिफाइंग है, आई थिंक 30% आपको लेके आने हैं phase 1 paper 1 में, तो उतनी तैयारी तो हम कर ही लें कि हम क्वालिफाई तो कर जाएं एटलीस्ट, ओके? देन 9 to 10 PM यू कैन रीड द PDF. सो ऑफ एवरी चैप्टर, हर एक चैप्टर की आपको PDF दी जाती है, तो यू कैन रीड द PDF ऑफ द चैप्टर एट दिस टाइम, ठीक है? तो आप देख सकते हो PDF आपको सुबह पढ़ना है, आप सुबह पढ़ लो, रिविजन रात में कर लो, दैट लिटिल बिट मॉडिफिकेशन यू कैन डू ऑन योर ओन, ठीक है? इसलिए मैं बोल रहा हूं, मैं आपको एक ब्रॉड आइडिया दे रहा हूं हाउ यू कैन गो अबाउट इट, ओके? क्योंकि पहले पूरा सिलेबस कवर करना है हमको जितना जल्दी हो पाए, स्पेशली paper 2 का, बिकॉज paper 2 is same, syllabus of paper 2 is same in both phase 1 and phase 2. phase 2 में बस difficulty level ज़्यादा है, okay? तो हम तो तैयारी ऐसे ही करके चलेंगे कि हमारा phase 1 phase 2 दोनों की ही तैयारी हो जाए, because syllabus is entirely the same, ठीक है? उसके अलावा phase 2 जो है उसमें English descriptive भी है, वो भी important है, तो वो मैंने weekends में रख दिया है, weekends पे आप उसको अच्छे से cover कर सकते हैं, okay? Now for Tuesday and Thursday, सिंस अभी कोई क्लास नहीं है, फाइनेंस की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, बट टिल देन 6 to 7 अगेन कैन बी, नाउ हियर 6 to 7 AM कैन बी फॉर प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस, ठीक है? तो क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करोगे, जो क्वेश्चन बैंक बुक दी है paper 2 की, जो आपको क्वेश्चन बैंक बुक दी है वहां से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, ओके? स्पेशली उन चैप्टर्स के,
उन टॉपिक्स के जो क्लासेस में ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, लाइक मैनेजमेंट के जो चैप्टर्स हो गए हैं, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के तो पूरा ही कंप्लीट हो गया है, कॉस्टिंग के भी कुछ चैप्टर्स हो गए हैं, तो उन चैप्टर्स की प्रैक्टिस आप ये क्वेश्चन बैंक बुक से कर सकते हो। उसके अलावा प्रैक्टिस करने के लिए जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं वो चैप्टर के बाद भी दिए हैं इन द कोर्स, कोर्स के बाद भी हर एक चैप्टर के बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं, वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, देन 8 to 9 यू कैन रिवाइज फॉर पेपर 2। अब आप ट्रैवल कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें आप रिविजन कर सकते हो। ओके, चाहे पीडीएफ से कर सकते हो या फिर आप क्लास में जो पढ़ाया गया है उसको, इफ यू वांट टू रीवॉच इट, कि आप क्लास को अटेंड नहीं कर पाए तो यू कैन, बिकॉज रिकॉर्डिंग आपको हर क्लास की मिलती है तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। ठीक है, यू कैन रेफर टू योर नोट्स, अगर कुछ नोट्स आप खुद बना रहे हो, राइट, देन इट विल बी योर ऑफिस आवर्स। उसके बाद 7 to 8 PM आई हैव केप्ट फॉर क्वांट रीजनिंग इंग्लिश अगेन। ठीक है, तो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश एक तरीके से डेली बेसिस पे आप कर रहे हो तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हो, बट हाफ एन आवर, 45 मिनट्स या 1 आवर, इतना जो भी आपको देना है, डिपेंडिंग अपॉन आपका बेस कैसा है, बेस स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। ओके, देन 9 to 10 PM अगेन आई हैव केप्ट फॉर रीडिंग द PDF, द डॉक्यूमेंट ऑफ ऑल ऑफ द चैप्टर, जो चैप्टर कवर हो रहा है उसका डॉक्यूमेंट आप पढ़ सकते हो। ठीक है, एंड अगेन सेम करंट अफेयर्स जो है ट्रैवलिंग में या ऑफिस में जो ब्रेक मिलता है वहां पे आप कवर कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया आपकी वर्किंग वीक मंडे टू फ्राइडे। अब जो वीकेंड है आपका, जो वीकेंड है दैट इज सैटरडे एंड संडे, तो उसमें हाउ यू कैन गो अबाउट योर वीकेंड। ठीक है, तो वीकेंड में इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव जो आपका है फेज 2 पेपर 1, इसके मार्क्स काउंट होंगे इन द फाइनल स्कोर, इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। तो इसमें क्या है, इन द कोर्स पहले तो कुछ कंसेप्चुअल वीडियोज हैं कि हाउ टू राइट एन एसे, ओके, हाउ टू राइट अ प्रेसी या आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस कैसे करने चाहिए, तो पहले वो थ्योरी, वो कॉन्सेप्ट समझेंगे। ओके, आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिस, वेरी इंपॉर्टेंट। देन करंट अफेयर्स रिवीजन, ठीक है, रिवीजन करंट अफेयर्स का, बिकॉज मंडे टू फ्राइडे में आप डेली बेसिस पे जो करंट अफेयर्स हैं डेली के वो पढ़ रहे हो, अब रिवीजन जो है आप वीकेंड्स पे कर सकते हो उनका। ठीक है, अब करंट अफेयर्स में भी फाइनेंस करंट अफेयर्स आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज फाइनेंस करंट अफेयर्स आपका पेपर 2 में भी आ सकता है, बिकॉज पेपर 2 में आपका फाइनेंस सब्जेक्ट है। ठीक है, एंड ऑल्सो इट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि फाइनेंस करंट अफेयर्स या करंट अफेयर्स के थ्रू आपको एक यू नो ओवरऑल आइडिया मिलेगा जो आगे चल के इंटरव्यू में हेल्प करेगा। ओके, इंटरव्यू में भी, बिकॉज इन इंटरव्यू दे कैन आस्क अ लॉट ऑफ फाइनेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स। ओके, तो फाइनेंस के करंट अफेयर्स पे अच्छा फोकस करना है हमको। ओके, देन सेक्शनल टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट आप लोग सैटरडे संडे में कर सकते हो, लाइक क्वांट रीजनिंग इंग्लिश का सेक्शनल टेस्ट है। ओके, तो वो हम सैटरडे संडे में अटेंड कर सकते हैं। ओके, या फिर वी विल ऑल्सो अपलोड टेस्ट ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग, वो टेस्ट जो होते हैं वो आप वीकेंड्स पे कर सकते हो। लाइक कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का एक टेस्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं मैं, आई विल अपलोड वन मोर। ओके, देन रिवीजन ऑफ पेपर 2 अगेन, अब यहाँ पे जो रिवीजन होगा वो आप यू नो ऑल द चैप्टर्स विच हैव बीन ऑलरेडी कवर्ड। देखो, मंडे टू फ्राइडे में आप जो क्लासेस हो रही हैं उनका रिवीजन कर रहे हो, बट मैंने आपको बताया है रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर एनी एग्जाम, ओके, एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। तो यहाँ पे हमको जो भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो भी चैप्टर्स ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं, उनका रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना पड़ेगा। ओके, बिकॉज अ लॉट ऑफ यू आर फ्रॉम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मल्टीपल रिवीजन करें। देन कवर द बैकलॉग, जो भी लेसन आपके मिस हो चुके हैं उनको कवर करना है, उनको वॉच करना है, उनका PDF देखना है। ओके, तो वीकेंड्स पे अच्छा खासा हमारे पास टास्क रहेंगे करने के लिए। ओके, देन पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस, पास्ट ईयर एनालिसिस के लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे हैं इन योर कोर्स। सो एक आपका जो बंडल है उसमें एक पास्ट ईयर पेपर नाम से कोर्स है, उसमें सेबी 2020 में जो एग्जाम हुआ है, 2022 में जो एग्जाम हुआ है, दोनों फेज 1 पेपर 2, फेज 2 पेपर 2, फेज 1 पेपर 2, फेज 2 पेपर 2, पेपर 2 पेपर 1 सब कुछ है, तो उनको अच्छे से एनालाइज करना है। स्पेसिफिकली पेपर 2 की बात करूं तो पेपर 2 का जो हमने एनालिसिस किया है डॉक्यूमेंट के थ्रू, एक जो PDF दिया है उसकी एनालिसिस की, उसमें आप देखोगे तो द एनालिसिस इज वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, इन द सेंस उसमें यह बताया गया है कि एग्जामिनर किस क्वेश्चन के थ्रू क्या स्किल टेस्ट कर रहा है। देखो, सम क्वेश्चंस विल चेक कि आप कितना याद रख पाते हो फैक्ट्स को, आपकी फैक्चुअल मेमोरी को टेस्ट करेंगे। सम क्वेश्चंस विल चेक योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी, सम क्वेश्चंस विल चेक योर लॉजिकल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग, तो उस तरीके से एनालिसिस किया है। तो इफ यू, अगर अभी तक आपने वो एनालिसिस
डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़े हैं सो प्लीज गो थ्रू देम। ये आपका पहला टास्क होना चाहिए कि पहले पास्ट ईयर एनालाइज करो कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और यू नो न्यूमेरिकल्स कितने आ रहे हैं, थ्योरी क्वेश्चन कितने आ रहे हैं। ये एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है, स्पेसिफिकली 2022 का काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 2022 वॉज डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट देन 2020 ऑब्वियसली। ठीक है, 2020 से पहले पैटर्न अलग था, 2020 में सिलेबस चेंज हुआ है इंटायरली। ठीक है ना, सो दिस इज द इंटायर शेड्यूल विच आई हैव क्रिएटेड फॉर वर्किंग एस्पिरेंट्स। अब अगर बात करें नॉन वर्किंग एस्पिरेंट्स की, तो ऑब्वियसली नॉन वर्किंग एस्पिरेंट्स विल हैव मोर नंबर ऑफ आवर्स। तो ये मत समझना कि दिस, देखो वर्किंग एस्पिरेंट्स भी सिलेबस कवर कर सकते हैं, वर्किंग एस्पिरेंट्स भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, बिकॉज वी स्टिल हैव सफिशियंट टाइम। अगर अभी भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे, यू कैन इजिली कवर द सिलेबस और रिविजन का टाइम भी बच जाएगा। लेकिन अब डिले नहीं करना है बिल्कुल, जिन्होंने तैयारी स्टार्ट नहीं की है आई थिंक दे शुड स्टार्ट द प्रिपरेशन। ओके, और अब अगर अब बात करते हैं नॉन वर्किंग एस्पिरेंट्स की, तो ऑब्वियसली नॉन वर्किंग एस्पिरेंट्स विल हैव मोर टाइम। तो ऑब्वियसली आई हैव केप्ट मोर स्टडी आवर्स फॉर देम। ओके, तो यहां पे मैंने कोई मंडे वेडनेसडे ट्यूजडे वीकेंड का डिस्टिंक्शन नहीं किया है, बिकॉज एवरी डे इज सेम फॉर अ नॉन वर्किंग एस्पिरेंट। तो अपने हिसाब से आप मॉडिफिकेशन थोड़ी बहुत कर सकते हो, बट आई थिंक आपके मतलब फॉर अ स्टूडेंट, फॉर अ नॉन वर्किंग एस्पिरेंट, डेज डज नॉट मैटर कि संडे है कि मंडे है। ऑब्वियसली यू कैन मेक सर्टेन एडजस्टमेंट कि किसी दिन आप इफ यू गो समवेयर आउटसाइड तो उस दिन नहीं पढ़ पाए हो, कोई बात नहीं। ठीक है, बिकॉज यू स्टिल हैव एम्पल टाइम, तो उस तरीके से अपना आप लेके चल सकते हो। सो दिस इज अ मॉडल टाइम टेबल विच आई हैव क्रिएटेड, अ सैम्पल टाइम टेबल। लाइक 8 to 9 AM डायरेक्टली आप सेबी की लाइव क्लास अटेंड करो पहले, तो चाहे वो मैनेजमेंट की होगी या फाइनेंस की होगी। ठीक है, पहले आप मॉर्निंग में लाइव क्लास अटेंड करो, उससे पहले मॉर्निंग का टाइम अपने लिए यूज करो। इट इज नॉट कि 8 बजे उठना है सीधा और 8 बजे उठते क्लास में आना है, ये मतलब नहीं है। यू वेक अप एट 6, ओके 6-6 बजे उठ जाओ। ठीक है, क्योंकि मॉर्निंग टाइम अच्छा है, मॉर्निंग टाइम को थोड़ा यूटिलाइज करो फिजिकल एक्टिविटी के लिए, वट एवर यू डू। ओके, मॉर्निंग वॉक, रनिंग, साइकिलिंग, योगा, वट एवर यू लाइक। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा माइंड फ्रेश होगा और थोड़ा सा एनर्जी आएगी फॉर द एंटायर डे। सो यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद द लाइव क्लास 8 to 9 AM, देन 10 AM to 12 noon, दीज टू, देखो 9 to 10 गैप रख दिया फॉर योर ब्रेकफास्ट, बेदिंग एंड ऑल। ठीक है, देन 10 AM to 12 noon यू कैन डू द रिविजन एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब रिविजन में आप PDF पढ़ सकते हो जो चैप्टर कवर कर रहे हैं। ठीक है, यू कैन रीवॉच द वीडियो इफ यू वॉन्ट, यू कैन रेफर टू योर नोट्स। प्रैक्टिस कहां से करोगे, हर चैप्टर के बाद जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं और क्वेश्चन बैंक बुक में से प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, दिस रिविजन एंड प्रैक्टिस इज फॉर paper 2 ओनली। ठीक है, देन 12 to 2 PM, देन 12 to 2 PM, देखो 10 से 12 का स्लॉट दिया है, हो सकता है कि आप 10 to 11:30 में ही पूरा कर लो अपना रिविजन जो भी है। ठीक है, तो यू कैन अकॉर्डिंगली मॉडिफाई। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ही पढ़ना है, एक अच्छे से प्लान करके पढ़ना है, स्मार्ट स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन 12 to 2 PM रिविजन ऑफ ऑलरेडी कवर्ड चैप्टर्स, जो चैप्टर्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं तो उनका भी आप डेली बेसिस पे रिविजन कर सकते हो। ठीक है, एंड यू कैन कवर द बैकलॉग, कुछ बैकलॉग है, कुछ वीडियोज मिस हो गई हैं या आपने अभी रिसेंटली एनरोल किया है कोर्स में, तो जो भी ऑलरेडी कवर हो चुका है वो सब भी आपको कवर करते हुए चलना है डेली बेसिस पे। ठीक है, देन 1 घंटे का गैप रख दिया फॉर योर लंच, कुछ पावर नैप लेना है छोटा सा, वट एवर। एंड देन 3 to 5 PM आई हैव केप्ट फॉर कॉन्ट रीजनिंग इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस विच इज फाइनेंस एंड नॉन फाइनेंस करंट अफेयर्स, एंड इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव। इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में पहले तो आप देखो समझोगे कि इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के आंसर्स लिखते कैसे हैं। ओके, उसकी वीडियोस बनी हुई है कोर्स में, और उसके बाद प्रैक्टिस, वंस यू आर डन विद द कॉन्सेप्ट पार्ट, फिर धीरे धीरे यू विल प्रैक्टिस राइटिंग एसेज, राइटिंग प्रेसी एक्सेट्रा। देन 5 to 6 का एक गैप रख दिया, ओके, फॉर योर रिक्रिएशन वट एवर। देन 6 to 7 यू हैव सेबी लाइव क्लास। अभी सेबी लाइव क्लास भी वैसे भी MWF में है, तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे के अलावा तो नहीं है लाइव क्लास। डाउट क्लास होगी ट्यूजडे को, वो भी है। ठीक है, ट्यूजडे को डाउट क्लास होती है। ठीक है, सो 6 to 7 इज योर सेबी लाइव क्लास, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। बाकी डेज में आपके पास खाली टाइम रहेगा, सो यू कैन यूटिलाइज फॉर एनी एक्टिविटी, एनी हॉबी, और कुछ पढ़ना हो तो पढ़ भी सकते हैं। देन 7 to 8 का गैप रख दिया इफ यू हैव वांट टू हैव डिनर और कुछ स्नैक वगैरह जो भी है आपको करना है। ओके, देन 8 to 10 आई हैव केप्ट फॉर योर रिविजन एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन, बिकॉज रात के टाइम में थोड़ा सा यू नो इट इज मोर साइलेंट और थोड़ा एटमोसफेयर मिल जाता है। मतलब बहुत लेट नाइट स्टडी तो मैं प्रेफर नहीं करूंगा,
ऑल्दो इट्स योर पर्सनल चॉइस, बट आई थिंक हम जल्दी मॉर्निंग में उठ के पढ़ाई करें, दैट इज मोर मोर यू नो हेल्पफुल. नाउ 8 to 10 PM रिविजन. ओके रिविजन कौन सा? सेबी लाइफ क्लास का. तो मॉर्निंग की क्लास का रिविजन मॉर्निंग में और इवनिंग की क्लास का रिविजन इवनिंग में. ठीक है, रिविजन एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन. तो जो भी चैप्टर कवर हो रहा है उसके क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक बुक. ठीक है, उसका जो PDF है चैप्टर का वो आप पढ़ सकते हो. देन अच्छा, सबसे पहले पास्ट ईयर एनालिसिस करना है. तो वर्किंग हो आप चाहे नॉन वर्किंग एस्पिरेंट हो, पास्ट ईयर एनालिसिस को रीड पहले कर लेना, समझ लेना कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, ये पहला टास्क है. तो इस तरीके से एक पूरा स्केड्यूल मैंने बनाया है फॉर वर्किंग एंड नॉन वर्किंग एस्पिरेंट्स. नाउ आई वुड लाइक कि इसके रिगार्डिंग कोई आपके पास क्वेरी हो, कुछ आपको कुछ पूछना हो, कोई पर्सनल अपना टाइम टेबल शेयर करना हो, कमेंट सेक्शन में वो भी कर सकते हो. कुछ जो भी क्वेरी होगी इसके रिगार्डिंग प्लीज पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन. आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेरी. आई होप दिस वीडियो वुड प्रूव वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स आउट देयर जो प्रिपेयर कर रहे हैं सेबी के लिए. ओके, तो डू शेयर दिस वीडियो विद अदर्स ऑल्सो हु आर प्रिपेयरिंग थ्रू आर कोर्स. चलिए गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट. आई विल टेक योर लीव. गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे.